बहू बोल मोती मोती जा जाके बना रोटी। मम्मी सुनो, मम्मी बोलो पबजी। अब तू ही बना सब्जी। तो डांस आता है ना? हाँ भाई। भाई मेरे को सिखा दे। अबे इतनी सी बात, चल आजा मेरे साथ। अबे एक काम कर, हाँ। तू चप्पल उतार जब तक मैं रेजो पे गाना लगाता हूँ। हाँ साले जिंदा गाड़ दूंगा अगर ऐसा बोला फिर दोबारा। क्या बोला था रे? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। दीवाना आग में जल गया और वो हंस रही है, कैसी दीवानी है ये। क्या दो प्यार करने वाले मिल गए, ये क्या दो प्यार करने वाले मिल गए, इसे फाड़ दो यार, ये झूठी कहानी है इसे। भाई तूने अपनी बहन को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। क्यों भाई, क्या हुआ? अगर किसी ने उसके साथ गलत हरकत कर दी तो? तू टेंशन मत ले भाई, मैंने अपनी बहन को बोल रखा है अगर कोई ऐसी घटिया हरकत करे ना तो उसका मर्डर करके सीधा घर पर आ जियो, केस तेरा भाई लड़ लेगा। ये लो रोटी खा लो। कितनी रोटियां हैं इसमें? पूरी 20 हैं। जानवर लगता हूं क्या मैं तुम्हें जो 20 रोटियां खाऊंगा? इनमें से एक वापस ले जाओ। बेबी। हम्म। अगर मैं और ये पैसे इन दोनों में से एक को चूज करना होगा तो किसको चूज करोगे? पागलों जैसी बात कर रही हो यार तुम, इन पैसों के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा मैं। कौन है तू? आज हमने प्यार का किस्सा मुकम्मल कर दिया। आज हमने प्यार का किस्सा मुकम्मल कर दिया। खुद भी पागल हो गए, उनको भी पागल कर दिया। अरे जोकर भाई। हाँ भाई। भाई तुम तो वही हो ना जो टिकटॉक पे जोकर वाला फेस बनाते हो। हाँ भाई। भाई बहुत बड़ा फैन हो, प्लीज एक बार बना दो यार। भाई ऐसे पब्लिक में नहीं बनाता ये। अरे मेरा फैन है यार, इसके लिए तो बनाना पड़ेगा भाई, प्लीज प्लीज। भाई ये सब तो ठीक है पर वो जोकर वाला फेस बनाओ ना। अरे तो ये क्या था भाई, ये तो सुअर वाला था। अबे भाई तेरे को मारा लगा नहीं? हाँ भाई तेरे को लगा नहीं? अबे इतनी कौन सी हिम्मत हो गई तेरी, आ ना काट के दिखा। ओह नो, किससे बात कर रही है, क्या हुआ? यार ये लोग ना मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। कौन लोग? ये बिजली विभाग वाले बोल रहे हैं बिल नहीं भरोगे तो काट देंगे। भाई मेरा फोन खराब हो गया यार, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैंने किसी को कुछ बोला? काम क्या करेगा जो आप बोलो भाई, किडनैप, वसूली, डकैती, चोरी, हाफ मर्डर, मर्डर, काम क्या करेगा? शरीर में 206 हड्डियां है और संविधान में 1670 कानून, हड्डी से लेकर कानून सब। अरे भाई चल तेरी बीवी को सांप ने काट लिया है। अबे पगले सांप काटने थोड़ी ना आया है, वो तो उसका जहर खत्म हो गया होगा तो मेरी बीवी से रिचार्ज करवाने आया है वो। क्या सारे के सारे किरदार निकले भाई, भाई बीवी सब छोड़ के चले गए, तू नहीं जाएगा ना भाई। मेरे भाई तुम मेरी जिंदगी में आ तो गए हो मगर एक चीज का ख्याल रखना कि हम जान दे देंगे मगर तुझे जाने नहीं देंगे। भाई तो सुन, सांसों में रहकर तुम हमारे मेहमान बन गए, बातें ऐसी की कि हमारी मुस्कान बन गई, लोग पास रहकर भी हमारे ना बन सके कि लोग पास रहकर भी हमारे ना बन सके और आप दूर रहकर भी हमारी जान बन गए। थोड़ी तमीज से बात करना हमसे, हम बड़े बदतमीज हैं। भाई दुनिया से क्या सीखा? तो सुन मेरे भाई। हाँ मेरे भाई। दुनिया की बस एक यही रीत है, रीत है, पीठ पीछे सब कमीने और सामने सब स्वीट है, स्वीट है। अरे बहन तेरी को फ्रेंड से सेटिंग करा देना है अभी। बताओ मम्मी को। करा देना यार। हाय बेबी, कहाँ जाएंगे मूवी के लिए आज? कौन है तू? तू कौन है? तू कौन है? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। बॉयफ्रेंड? ये क्या चल रहा है? बेबी मेरा भाई है। अच्छा तो भाई बन गया बॉयफ्रेंड।
मैडम उठो, कलेक्टर साहब आ गए। मैडम उठो, कलेक्टर साहब आ गए। हाँ तो बच्चों, कुंभकर्ण ऐसे सोता था। सुनना। हाँ? थोड़े पैसे की जरूरत है। एक बार बोल तेरे को कितने पैसे चाहिए। रुक देख, तो रुक रुक रख रख ले। अरे 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 वो गिर गया। उठा उठा उठा, ये ले ये। अरे 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 रख, अरे अरे रख ना तू, अरे रख, ऐस कर आराम से, खूब घूम अफ्रीका चल जा, और देने की जरूरत नहीं है, जल्दी से ब्याज के साथ लूंगा। मसाज करवा लिए मम्मी। मैं 20 साल का हो चुका हूँ, अब तुमको मुझको पान लेगी? जरूरत इच नहीं है, जरूरत इच नहीं है, ये सब की अपने को जरूरत इच नहीं है। निकल मेरे घर से फिर, आमद जो है यहाँ पे वापस। मैं हर किसी के हो जाऊँ, इतनी सस्ती थोड़ी ना। भाई वो लड़का मुझे बहुत पसंद है, जा प्रपोज कर दे। हाथ धुला। हाथ क्यों धुलाऊं? अरे हाथ धो के पीछे पड़ूंगी ना। हुसना बहुत दिनों बाद कहाँ गई थी? मैं तो अमेरिका घूमने गई थी। अच्छा, अमेरिका में कहाँ? दिल्ली। ना वील वेन इन द नेतायो यूर चलो बच्चों बताओ, ताजमहल किसने बनाया था? क्यों, सही नहीं बना क्या? हावे साले, तेरी इतनी जरूरत, तूने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया? तेरे हाथ के मैं टोटे टोटे करके कुत्तों को खिला दूंगा। साले तेरी इतनी हिम्मत, चूड़ियां पहन के घर में क्या बैठा है? हिम्मत है तो साले फोन उठा। नो 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 नो। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये पुराने कपड़े मेरे, सोच रही हूँ गरीबों में बांट दूं। कोई जरूरत नहीं है, फेंक दो। नहीं जी, दुनिया में कितने गरीब भूखी प्यासी औरतें हैं, किसी ना किसी को तो ये कपड़े आ ही जाएंगे। अरे लेकिन तुम्हारे नाप के कपड़े जिस औरत को आएंगे वो थोड़ी ना भूखी प्यासी होगी। तो बेटा इनको बताओ मैं कौन हूँ? पागल। कहाँ जा रहे हो? देश को बचाने, मतलब दारू लेने। मैं अपने दोस्तों के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनता, क्योंकि मेरे दोस्त गद्दार नहीं है, और जो आज है कल खत्म हो जाए, उनका तुम्हारे जैसा प्यार नहीं है। गोविंद, चिल्लाओ मत, मैदान में खुले शेर का सामना करोगे, तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। क्यों लंगड़े, पहचाना नहीं क्या? खान हूँ अल्लाह की शान, चले। अरे क्या लेने आया है? अरे लेने कुछ नहीं आया ताई, मैं तो बस बताने आया हूँ कि मेरा बाप ने होटल खोल लिए, कुछ सामान लगे तो बता दियो। बहुत बेइज्जती कर ली बाप ने होटल खोल ली। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, गलती मेरी ही थी, औकात से ज्यादा मुंह लगा लिया था मैंने। ए भाई। हाँ भाई। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो सबसे पहले आप किससे मिलोगे? अरे दादा पहले खत्म तो होने दे इसको, रोज तो बढ़ी रही हो। हेलो एम्बुलेंस, अरे यार मेरे दोस्त का एक्सीडेंट है को सेंट सेबास्टियन गार्डन के पास, जल्दी से आ जाओ। सर सेंट सेबास्टियन की स्पेलिंग लिखाइए। स्पेलिंग? अरे भाई साहब मैं यार घसीट के नेहरू गार्डन तक लेके आ रहा हूँ, नेहरू गार्डन की स्पेलिंग लिखो NEHRU। उसने मुझे बुरे वक्त में छोड़ दिया था और अब उसका कॉल आया, कहता है कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं तो बाहर आ गई। कहता है कहाँ पर? मैंने कहा तेरी औकात से। कौन? मैडम आपका पार्सल। कितना हुआ? मैडम आपका हो गया 129 रुपए। वापस कितना देना है? अरे 21 दे दो। अच्छा ठीक है।
साले दरिंदे तेको मैंने 21 रुपए बोली, 21 नहीं बोली। निकल यहाँ से। नेक्स्ट। जी सर। तुम ये जॉब करना चाहते हो? बिल्कुल सर। अच्छा तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सर तुलसीदास खान। तुम्हारे बाप का नाम? सर जावेद चौरसिया। तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? सर मुमताज देवी। अबे भाई इंसान है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। जोर का झटका। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद। आइए नेताजी, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? नेताजी हमारी दो बहुत बड़ी समस्या है। बताओ जरा। पहली तो ये है कि हमारे गांव में कोई बड़ा हॉस्पिटल ही नहीं है। रुको अभी। हाँ इनके गांव में हॉस्पिटल बन जाना चाहिए 4 दिन में। चलो दूसरी समस्या बताओ। नेताजी दूसरी समस्या तो ये है कि हमारे गांव में कोई मोबाइल टावर ही नहीं है, तो तूने फोन किसको करा?